हेलो फ्रेंड्स, एनडीए की इस जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग यात्रा कर रहे हैं 3 सितंबर के लिए और अभी से आपकी प्रैक्टिस जारी है। शानदार जानदार तैयारी करते चलो, क्योंकि इस जर्नी में मैं आपके साथ हूं और डेफिनेटली आप लोग डेली बेसिस पर अगर क्लास अटेंड करोगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड है बच्चों क्वेयर फिश। प्यारे बच्चों, आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि ये जो वर्ड जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये वर्ड आपके एनडीए में आया हुआ वर्ड है। तो ये इडियम जो है, तो क्वेयर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, यानी कि अजनबी व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति। तो हमें क्या करना चाहिए, जो अजनबी लोग होते हैं हमें अजनबी लोगों से दूरी बना करके रखना चाहिए। तो हमें क्वेयर फिश से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसको स्ट्रेंज भी कह सकते हो, इसको बिजारे भी कह सकते हो, इसको ऑड भी कह सकते हो। तो राजू इज सच ए क्वेयर फिश दैट वन कैन नॉट मेक एनीथिंग आउट ऑफ हिज एटीट्यूड। तो ये राजू जो है बड़ा ही अजीब व्यक्ति है, इससे कोई भी व्यक्ति अपना व्यवहार नहीं रख सकता है। अगला कह रहा राइटिंग ऑन द वॉल। बच्चों, राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे स्लोगन दीवारों पर लिख दिए जाते हैं जन जागरूकता के लिए, यानी कि एक तरह से वो इशारा करते हैं, सिंबल देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है सिग्नल या फिर एक तरह से वार्निंग। जैसे कई जगह लिखा होता है नो पार्किंग, कई जगह लिखा होता है यहां गुटखा ना थूके, और भी कई सारी चीजें लिखी होती है। तो राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्या, सिग्नल। He read the writing on the wall and decided not to invest in the property market. उसने पढ़ा writing on the wall, जो दीवार पर लिखा था उसको पढ़ा और decide कर लिया कि property market में वो invest नहीं करेगा। Next देखो बच्चों, a bad egg. Bad egg का मतलब होता है worthless person, जिसकी कोई worthless का मतलब जिसकी कोई कीमत ही ना हो, मूल्यहीन है, किसी काम का नहीं है, इसको आप कह सकते हो ये बेकार है। कैसा है बच्चा, बेकार। He belongs to a noble family, but he himself is a bad egg. वो परिवार तो उसका बहुत अच्छा है, नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, पर वो स्वयं बैड एग है। ऐसा कहा जाता है ना कि परिवार, माँ बाप तो अच्छे हैं पर औलाद जो है थोड़ी खराब निकल गई है। अगला देखो बच्चा, ये कह रहा है टू मींस मैटर्स। टू मींस मैटर्स का मतलब होता है हाइड द ट्रूथ एंड प्रिटेंड, एक तरह से सच्चाई को छुपा लेना और बनावटी बातें करना, यानी कि मामले को उलझा पुलझा के गड़बड़ कर देना। ठीक है, शी ट्राइड टू मींस मैटर्स बट शी फेल्ड टू डू सो। उसने मिंस मैटर करने की कोशिश की पर वो फेल हुई, यानी कि वो मामले को उलझाना चाहती थी, पेचीदा बनाना चाहती थी, सच्चाई को छुपा करके बनावटी बातें कर रही थी पर वो पकड़ी गई। अगला देखो बच्चों, बरी द हेडसेट। बरी द हेडसेट का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी समाप्त करना, दुश्मनी खत्म करना, दुश्मनी समाप्त करना। तो बच्चों, दुश्मनी समाप्त करना, दुश्मनी खत्म करना, इसका सिनोनिम, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू मेक पीस, शांति की स्थापना करना। क्या करना बच्चों, शांति की स्थापना। अगला देखो, तो ये बरी द हेडसेट का मतलब होता है दुश्मनी समाप्त करना। अगला है बच्चों, ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, रिश्वत देना। रिश्वत देने का मतलब क्या होता है भैया, कि आपने जो है अनएथिकल काम के लिए या फिर अपना काम जल्दी कराने के लिए आपने अनैतिक रूप से पैसे दिए, जिसके लिए सामने वाला जो है एलिजिबल नहीं था, जिसको लेने के लिए वो पैसा आपने उसको दिया है। तो देखो, मींस मैटर्स का मतलब है मामले को उलझा देना, बरी द हेडसेट का मतलब है दुश्मनी खत्म कर देना, ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। ठीक है, अगला देखो, थ्रू थिक एंड थिन। बच्चों, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है चाहे कंडीशन फेवरेबल हो या फिर अनफेवरेबल, कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। आप देखते हो कि आपका चीयरफुलनेस, लाइवलीनेस देखा जाता है जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो लाइवलीनेस के अंदर यही देखा जाता है कि सुख में तो सब सुमिरन करते हैं पर दुख में व्यक्ति कौन अच्छे से रह सकता है, कौन पंगा ले सकता है। तो आपको वहां पर थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है फेवरेबली एंड अनफेवरेबल सिचुएशन, चाहे जैसी हो। तो दे विल हेल्प हर थ्रू थिक एंड थिन,
कि मैं अपने भाइयों की मदद करूंगा, चाहे समय अच्छा हो या फिर अच्छा ना हो, थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट देखो बच्चों, टू गिव अ थिक ईयर। बच्चों टू गिव अ थिक ईयर का मतलब होता है कान, उसका कान भर देना। कान भर देने का मतलब एक तो चुगली करना होता है, पर एक कि कान में जाके एक तरह से अलार्म कर देना कि सुन ये लास्ट वार्निंग है, अगली बार किया तो बहुत पढ़ाई पढ़ेगी तेरे में। द मदर गेव अ थिक ईयर टू नॉटी चाइल्ड। बच्चा शरारती था तो सबके सामने ओपनली तो नहीं डांटा, पर उसके कान में कह दिया कि देख ये दिस इज लास्ट वार्निंग है, अब मत गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट है बच्चों बेड ऑफ रोजेस। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है इजी कंफर्टेबल सिचुएशन। कैसा सिचुएशन? कंफर्टेबल। तो ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी बेड ऑफ रोजेस नहीं है। जो जिंदगी है ये क्या नहीं है? बेड ऑफ रोजेस नहीं है, यानी कि इतनी आसान नहीं है, ये हर घड़ी हर पल परीक्षा लेती है। तो थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति फेवरेबल हो या फिर अनफेवरेबल। गिव ए थिक ईयर का मतलब क्या होता है? ये कान में समझा देना, उसको अच्छा टाइट कर देना। बेड ऑफ रोजेस मतलब जो इजी है, कंफर्टेबल है। अब नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है टू बियर द लायन इन हिज डेन। तो बच्चों बियर द लायन इन हिज डेन का मतलब होता है कि खतरनाक आदमी को उसके घर में जाकर के ललकारना, ठीक है? अब खतरनाक आदमी को उसके घर में जाकर ललकारने से कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो ये वही कह रहा है कि इट इज नॉट वाइज फॉर यू टू बियर द लायन इन हिज डेन, कि शेर को उसकी गुफा में जाकर के गुस्सा दिलाना अच्छी बात नहीं है। टू बियर द लायन इन हिज डेन ये सही काम नहीं है, यू शुड अवॉइड इट। अगला देखो, टच द राइट कॉर्ड। टच द राइट कॉर्ड का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति की वास्तविक फीलिंग्स से जब आप वाकिफ हो जाते हो तो उनकी उन फीलिंग्स के थ्रू ही आगे काम करते हो। टू अपील क्लेवरली टू समबडीज फीलिंग्स, ठीक है? उसकी भावनाओं को समझ के उस हिसाब से अपनी आगे की व्यवस्था बढ़ाना। शी टच द राइट कॉर्ड एंड मेड द डिसअपॉइंटेड चिल्ड्रन हैप्पी, ठीक है? वो उदास था, वो उदास क्यों था? क्या पेरेंट्स ने डांट दिया था, या रिजल्ट में मार्क्स कम आए थे, या फिर उसके मन का काम नहीं करने दिया जा रहा था? आपने इन सारे एस्पेक्ट्स में से वो राइट कॉर्ड चुन ली जिसकी वजह से वो बच्चा डिसअपॉइंट था और आपने उसको खुश कर दिया, ठीक है? अगला है बच्चों टच एंड गो। टच एंड गो का मतलब होता है रिस्की, ठीक है? कि जैसे जिंदगी बेड ऑफ रोजेस नहीं है, तो इसमें जो फौजी होता है, जो आर्म फोर्सेस का ऑफिसर होता है, वो क्या काम करता है? वो टच एंड गो काम करता है, यानी कि रिस्की काम करता है। आफ्टर द स्नो बिगन टू फॉल द माउंटेन क्लाइंबर्स हेड ए टच एंड गो डिसेंट। जो डिसेंट था, जो उतार था, वो कैसा हो गया था? टच एंड गो। टच एंड गो का मतलब होता है रिस्की। अगला है बच्चों टू गो डाउन द स्ट्रीम। टू गो डाउन द स्ट्रीम का मतलब होता है ना, नदी में नीचे की तरफ जाना, ठीक है? कि बोट में जब पानी भर गया तो वो बोट में जब पानी भर गया तो बोट क्या करने लगी? बोट जो है गो डाउन द स्ट्रीम होने लगी। द बोट गोज डाउन द स्ट्रीम एट ए हाई स्पीड, ठीक है? कि जो बोट है बहुत तेजी से नीचे चली जाती है। अगला देखो बच्चा, द लाइट ऑफ वन साइज, यानी कि वेरी डियर, ठीक है? आंखों का प्यारा। लाइट ऑफ वन साइज का मतलब क्या होता है? आंखों का प्यारा, कि हर बच्चा अपनी अपने पेरेंट्स की आंखों का क्या है भाई? हर बच्चा अपने पेरेंट्स की आंखों का तारा है। एवरी चाइल्ड इज द लाइट ऑफ इट्स पेरेंट्स आइज। हर बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा है। और आज की क्लास का लास्ट इडियम जो आप देखोगे, टू सी द लाइट, यानी कि उजाला देखना। उजाला देखना यानी कि इस दुनिया में आना, जन्म लेना, टू बी बॉर्न। मिस्टर रोहित सॉ द लाइट इन 1990। आप में से जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अधिकतर बच्चों ने ये दुनिया देखी है सन 2005 में। तो प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एनडीए सीडीएस एफकेट तीनों के लिए जो है ऑफलाइन बैचेस हैं, साथ ही हम लोग 11th और 12th के साथ भी एनडीए की प्रिपरेशन कराते हैं। तो एक डेडिकेटेड एनवायरमेंट के अंदर आपकी पढ़ाई होती है। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लास से आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। और अगर SSB इंटरव्यू की तैयारी करना है तो SSB वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फोर डिफेंस एकेडमी के इंस्टा टेलीग्राम, साथ ही SSB वर्ल्ड के इंस्टा टेलीग्राम, ये सारी फैमिली आपकी और हमारी फैमिली, इस फैमिली का हिस्सा बनिए और वो सारी चीजें हासिल कीजिए जो बच्चे हासिल कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी चीजें आपसे छूट जाए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।